छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर 2024 से नया नियम लागू। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ 15 अक्टूबर 2024 से आप सभी के लिए नया नियम लागू, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है होने वाली है। जी हाँ, आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज, नई भर्ती अपडेट, जिसमें बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी खुशखबरी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है काफी बड़ी खुशखबरी, काफी बड़ी अपडेट, काफी बड़ी सौगात आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है निकल के आ रहे हैं। बिना टीईटी टेट एग्जाम दिए भी बन सकेंगे आप जो है शिक्षक। जी हाँ, बिना टीईटी टेट एग्जाम दिए भी आप सभी स्टूडेंट जो है शिक्षक बन पाएंगे, जो कि आप में से हर किसी के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आप में से हर किसी के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, तो 15 अक्टूबर 2024 जो होने वाला है वो आप में से हर एक किसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है नए नए भर्तियां, नए नए पोस्ट जो है होने वाले हैं। तो बीएड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी सौगात 2024 में निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, बीएड करने वाले स्टूडेंट्स को अब बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। अब आप सभी के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण नई नई भर्तियां, आप सभी के लिए अब काफी महत्वपूर्ण नई नई पोस्ट जो है निकल कर आने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बीएड किया है या जो भी स्टूडेंट जिन्होंने डीएड किए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट जो है टेट एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो। आप सभी के लिए अपकमिंग वैकेंसीज की बात करें, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अपकमिंग भर्तियां के, आप सभी स्टूडेंट के लिए अपकमिंग वैकेंसीज, अपकमिंग पोस्ट की बात करें तो आप सभी के लिए जो है 33,000 जो है नए शिक्षकों की भर्तियां, आप सभी के लिए जो है 33,000 जो है न्यू टीचर्स की वैकेंसीज, आप सभी के लिए 33,000 न्यू शिक्षकों की भर्तियां जो है 2024 आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं। जी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छत्तीसगढ़ में जो है 33,000 पदों पर नई भर्तियां, आप सभी के लिए जो है 33,000 पोस्ट जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, नए टीचर्स की वैकेंसी जो है 2024 आप सभी के लिए निकल के आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट जो टीचर्स बनना चाहते हैं, वो आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री कम्प्लीट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए डीएलएड, और साथ में आपका टेट एग्जाम भी क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर ये सभी चीजें अगर आपको फुलफिल हो चुका है तो आप आराम से शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल है और 150 क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। और बीएड करने वाले स्टूडेंट जो काफी ज्यादा परेशान है, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो बीएड करने वाले स्टूडेंट है जो काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा बीएड करने वाले स्टूडेंट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बीएड करने वाले स्टूडेंट्स को अब जो है किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगा। बीएड करने वाले स्टूडेंट्स अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप सभी को जो है 21,000 रुपये आप सभी को मानदेय वेतन, आप सभी को जो है 21,000 रुपये मानदेय सैलरी जो है मिल पाएगा, जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, और आप सभी के लिए जो है मैनिफेस्टो घोषणा पत्र 2024, आप सभी के लिए जो वादे हैं ये मैनिफेस्टो घोषणा पत्र 2024 ये वादे आप सभी के लिए पूरे हो पाएंगे। जी आप सभी के लिए जो है भर्ती अपडेट है। तो जो भी स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, जी हाँ, या जो भी स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। और बीएड करने वाले स्टूडेंट्स अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। बीएड करने वाले स्टूडेंट्स को 21,000 रुपये जो है हर एक महीने जो है मानदेय वेतन, 21,000 रुपये आप सभी को मानदेय सैलरी मिल पाएगा, और ये भी आप सभी के लिए बीएड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, तो जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी वादे या जितने भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, तो आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, अपने से हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि तैयारियों के ऊपर ध्यान दीजिए,
कोशिशों के ऊपर जो है ध्यान देना। सब कुछ जो है आप सभी स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ जो है आप सभी स्टूडेंट्स के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो जितना ज़्यादा आपका तैयारी होगा, जितना आपका प्रिपरेशन होगा, जितना आपका स्टडी होगा, उतने ही ज़्यादा आप जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हो, उतने ही ज़्यादा आप सभी स्टूडेंट एग्जाम्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हो, उतने ही ज़्यादा आप सभी स्टूडेंट एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए प्रिपरेशन से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, सीखना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, लर्नर जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से सीखो, जितना ज़्यादा हो सके आपको नॉलेज जो है इकट्ठा करना है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, जी हाँ जितना ज़्यादा पास नॉलेज रहेगा उतने ही ज़्यादा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा और बेहतर हो पाएगा। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को बीएड करने वाले स्टूडेंट्स को जो है अब जो है किसी भी तरह से बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। हर महीने आप सभी को बीएड करने वाले स्टूडेंट्स को जो है 21,000 रुपये जो है मानदेय जो है मिल पाएगा। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आने वाले हैं। जी आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो बिना टीईटी टेट एग्ज़ाम दिए बन सकेंगे शिक्षक, और ये भी हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, और ये भी हम सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिल पाता है। जी हाँ, तो 15 अक्टूबर 2024 से आप सभी के लिए नए नियम लागू। जी हाँ, 15 अक्टूबर 2024 आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी सौगात, काफ़ी अच्छी अपडेट 2024 में आप सभी को देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना है। वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। जी हाँ, जितना ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियोज़ को लोगों तक पहुँचाएंगे, उतना ही ज़्यादा सभी लोगों तक वीडियोज़ उतने ही ज़्यादा सभी लोगों तक जानकारियाँ अपडेट्स फिर मिल पाएगा। जी हाँ, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ताकि आप सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर सकूँ। जी हाँ, इसलिए हमेशा जो है तैयारियों के ऊपर, प्रिपरेशन के ऊपर ही आपको जो है ध्यान देना है। तो कभी भी आपको मेहनत करना, कभी भी आपको कोशिशें करना, कभी भी हार्डवर्क करना नहीं छोड़ना। जी हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे कि सभी लोगों तक वीडियोस पहुंच पाए। थैंक यू।